हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एम्बेडेड सिस्टम आर्किटेक्चर टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दो आर्किटेक्चर को लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिजिटल कंप्यूटर मेनली दो आर्किटेक्चर्स पे बेस्ड है। पहला है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड देन हार्वर्ड आर्किटेक्चर। इन दोनों आर्किटेक्चर में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो स्टोरेज का होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर फॉर डेटा मेमोरी एंड फॉर कोड मेमोरी, कोड वी कैन से प्रोग्राम मेमोरी, दोनों का जो स्टोरेज है मेमोरी में वो कॉमन होता है। वेयर एज इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर में प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी दोनों का सेपरेट स्टोरेज होता है। अब हम वन बाय वन इन आर्किटेक्चर्स को देखते हैं। पहला है वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन में आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, कि यहाँ पर जो मेमोरी है वो कॉमन है फॉर बोथ डेटा एंड प्रोग्राम और वी कैन से कोड। वॉन न्यूमैन, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रपोज किया था अपने नाम पर इस आर्किटेक्चर को, और ये बहुत ही सिंपल सा आर्किटेक्चर होता है। इसमें दोनों का जो स्टोरेज है वो कॉमन है, डेटा और प्रोग्राम का, और यहाँ पर एक सिंगल पाथ होता है, सिंगल डेटा पाथ भी बोल सकते हैं। उस सिंगल पाथ से वो डेटा को फेच करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये दो एरो बनाया हुआ है। पहला है एड्रेस बस, दूसरा है डेटा बस। एड्रेस बस एड्रेस को कैरी करती है। किसके एड्रेस को? डेटा के एड्रेस को। बट वो डेटा कैरी नहीं करती, इट सिंपली कैरी द एड्रेस ऑफ द डेटा। मतलब अगर सीपीयू को डेटा चाहिए तो वो एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस को लेगा और डेटा तक जाएगा, और फिर डेटा बस है, डेटा बस आपके डेटा को कैरी करती है। ओके, डेटा बस आपके डेटा को कैरी करती है और मेमोरी यूनिट से वो सीपीयू तक लेकर आती है या अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तक भी लेकर जाती है। और यहाँ पर जैसे कि एक कॉमन पाथ है, तो यहाँ पे जो स्टोरेज है वो वन बाय वन होता है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को मेनली दो साइकिल्स की जरूरत पड़ती है इन दोनों को फेच करने के लिए, डेटा मेमोरी को या कोड मेमोरी को। और यहाँ पे जो आपके टास्क है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो वन बाय वन होते हैं। तो ये था आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। अब मैं आपको हार्वर्ड आर्किटेक्चर बताती हूँ। हार्वर्ड आर्किटेक्चर में जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो स्टोरेज है वो पूरा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे वो एक ही मेमोरी में स्टोर था। तो जब भी मुझे डेटा को एक्सेस करना पड़ता था या फिर मुझे कोड को एक्सेस करना पड़ता है, तो मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा था, मेरा स्पीड बहुत स्लो हो रहा था। तो वो जो प्रॉब्लम्स थी उनको ओवरकम करने के लिए हार्वर्ड आर्किटेक्चर पिक्चर में आया है। अब इस आर्किटेक्चर में आपका जो स्टोरेज है वो पूरा अलग हो जा रहा है। अब स्टोरेज अलग हो जा रहा है, प्रोग्राम को मुझे फेच करना है तो मैं यहाँ से फेच कर रही हूँ, डेटा को फेच करना है तो मैं यहाँ से फेच कर रही हूँ। मेरे पास एड्रेस बस भी है, डेटा बस भी है। एड्रेस बस के थ्रू मुझे प्रोग्राम का एड्रेस मिल रहा है, डेटा बस के थ्रू मैं प्रोग्राम को डेटा ले रही हूँ। सेम फॉर हियर ऑल्सो। मतलब यहाँ पे काम जो है वो फटाफट हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो स्पीड है वो बढ़ गई है, हायर इन स्पीड। यस, एग्जीक्यूशन भी फटाफट हो रहा है, प्लस प्रोग्राम मेमोरी का जो डेटा है वो टोटली आपके सीपीयू में स्टोर्ड रहता है। यहाँ पे आपके डेटा मेमोरी को एक्सेस नहीं रहता कि वो प्रोग्राम मेमोरी को या प्रोग्राम मेमोरी में कुछ जाके ताका झाकी कर सके, या हम बोल सकते हैं डेटा मेमोरी को एक्सेस नहीं होता है प्रोग्राम मेमोरी का। तो ये था आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर। अब मैं आपको ये इसका डिफरेंस बताती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से और डिटेल में ये टॉपिक समझ में आए। अब हम देखते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एंड हार्वर्ड आर्किटेक्चर का डिफरेंशिएशन। तो पहला पॉइंट है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, सिंगल मेमोरी टू बी शेयर्ड बाय बोथ डेटा एंड कोड। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मेमोरी है वो कॉमन होती है डेटा के लिए भी और कोड के लिए भी। वेयर एज इन हार्वर्ड आर्किटेक्चर सेपरेट मेमोरीज फॉर कोड एंड डेटा। मतलब यहाँ पर जो स्टोरेज है वो डिवाइड हो जाता है, डेटा के लिए अलग होता है और आपके इसके कोड के लिए अलग होता है। यहाँ पे जो आपका स्टोरेज है मेमोरी का वो डिवाइड हो जाता है, वन इज फॉर प्रोग्राम मेमोरी एंड वन इज फॉर डेटा मेमोरी। नेक्स्ट है आपका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, स्लोअर। व्हाई इट इज स्लोअर? बिकॉज यहाँ पर वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में एक सिंगल पाथ होता है, उस सिंगल पाथ से वो आइदर डेटा को फेच करता है या वो प्रोग्राम को फेच करता है। इट मीन्स यहाँ का जो स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो स्लोअर होता है। वेयर एज हार्वर्ड आर्किटेक्चर में इट इज फास्टर। वाई फास्टर? यस, बिकॉज यहाँ पे जो स्टोरेज है वो दोनों भी अलग हो जाते हैं, तो एग्जीक्यूशन फटाफट होता है। नेक्स्ट, प्रोसेसर। अब इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में प्रोसेसर नीड्स टू क्लॉक साइकिल फॉर फेचिंग द कोड एंड डेटा। वाई टू क्लॉक साइकिल्स? बिकॉज प्रोसेसर वॉन्ट्स टू फेच द डेटा,
अगर प्रोसेसर को डेटा को फेच करना है तो उसको एक साइकिल चाहिए, अगर उसको कोड को फेच करना है तो एक साइकिल चाहिए. मतलब यहाँ पे टोटल 2 क्लॉक साइकिल्स भी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दी और टू फेच दी डेटा और टू फेच दी कोड. यहाँ पर आपका एक क्लॉक साइकिल इज सफिशियंट, सिंगल क्लॉक साइकिल इज सफिशियंट फॉर फेचिंग दी कोड और दी डेटा. डिजाइन वॉन न्यूमेन आर्किटेक्चर में जो आपका डिजाइन है, डिजाइन इन टर्म्स ऑफ देयर हार्डवेयर डिजाइन इज सिंपल वेयर एज इट इज कॉम्प्लेक्स. देन स्पेस रिक्वायरमेंट, लेस स्पेस एंड मोर स्पेस. लेस स्पेस क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज जो है वो कंबाइंड है फॉर बोथ, सो यहाँ पे जो आपका स्टोरेज पार्ट है वो कम रहता है, लेस स्पेस भी रिक्वायर्ड. वेयर एज यहाँ पे मोर स्पेस बिकॉज जो स्पेस है वो डिवाइड कर दिया है. आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. Thank you so much for watching my video.